राहुल गांधी जयपुर में रैली करने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं जयपुर में रैली करने, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रभारी, राजस्थान के महासचिव अविनाश पांडे, उनसे बातचीत करते हैं। सर, राहुल गांधी जयपुर में आपकी सरकार है, यहाँ क्यों रैली करने के बारे में सोचा? देखिए, जयपुर ये मात्र जयपुर नहीं है, राजस्थान का पूरा युवा वर्ग, छात्र वर्ग यहाँ पर उसको संबोधित करेंगे और ये संदेश जो है पूरे देश के युवा और छात्रों के लिए संदेश होगा। आज जिस प्रकार के वर्तमान में जो परिस्थिति पूरे देश में, चाहे छात्रों पर अत्याचार हो, युवकों की बेरोजगारी हो, आगे उनको अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, आगे कुछ उनको सूझ नहीं रहा कि पढ़ लिख कर, डिग्री प्राप्त कर कर या रोजगार की जो उपलब्धता नहीं है, सो जो बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है और साथ ही साथ जो वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवा वर्ग से किया, आज वो अपने आप को ठगा महसूस इसलिए कर रहे हैं कि उस दिशा में कोई भी कदम ये सरकार, केंद्र सरकार का कहीं पर दिखता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश में अगर देखें तो पूरी जनता का आक्रोश एक प्रकार से इस केंद्र सरकार इस आक्रोश को डाइवर्ट करना चाहती है कि जो उनकी विफलताएं रहीं, चाहे महंगाई को लेकर हो, रोजगारी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर हो, इन सभी प्रमुख मुद्दों से ध्यान हटाकर बटाकर ये चाहते हैं कि ये ध्यान जो है ये CAA के नाम पर या NRC रजिस्टर के नाम पर लोगों में समाज को और बांट कर। और यही अविनाश पांडे जी, यही कांग्रेस की दुविधा कहीं नहीं नजर आ रही है कि आप लोग भी चाह रहे हैं कि CAA NRC से निकल के कांग्रेस उभरे और महंगाई और बेरोजगारी से मुद्दों पर आए, इसके लिए राहुल गांधी जयपुर में शुरुआत कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि एक सबसे बड़ी विडंबना ये है आज देश के अंदर में कि समाज का हर वर्ग पीड़ित है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे आप देख ले तो इवन हमारे जो सरकारी कर्मचारी हों, लेकिन उनकी आवाज को सही दिशा देने का एक सबसे मूल जो उद्देश्य है वो इस आक्रोश रैली के, उनके आक्रोश को सही दिशा में ध्यान आकर्षण केंद्र सरकार का और सरकारी व्यवस्था का, इस दिशा में ध्यान आकर्षित करने का ये प्रयत्न है। मैं ये देख रहा हूँ, चाहे अशोक गहलोत के मैसेजेज आ रहे हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बोलते हैं या आप बोल रहे हो, आप लोग कोशिश कर रहे हो कि इस रैली को CAA NRC से दूर रखा जाए और जो नैरेटिव एक BJP सेट कर दिया है जिस पर पूरे देश में बहस चल रही है, उन मुद्दों से हटकर बाकी बेरोजगारी महंगाई पर आई, ये कांग्रेस कोशिश कर रही है? निश्चित रूप से, अगर इसको सही अर्थों में आप अगर हम लें तो मोदी जी की, केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलताओं को का पर्दाफाश करने के लिए ये रैली है, जिसमें जनता जनार्दन जो आज बुरी तरह से दुखी है, चाहे CAA के नाम पर हो, चाहे NRC के नाम पर हो। इसमें कांग्रेस की भी दुविधा है नेताओं के अंदर, NRC और CAA को लेकर? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये दुविधा कहीं पर भी कतई नहीं है। आज जब आप समाज को, जो संविधान की हमारी मूल जो भावना है, उस मूल भावना से हटकर अगर कोई असंवैधानिक, सिर्फ आपकी संख्या बल के आधार पर, एक संख्या बल का अगर पार्लियामेंट का आतंक, संख्या बल का अगर लोकतंत्र पर चलाते हुए अगर असंवैधानिक अगर कानून पास होता है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे समाज के लिए और देश की मजबूती और एकता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसका अंदाज कांग्रेस भली भांति जानती है, क्योंकि कांग्रेस ने देश की आजादी के संग्राम और संघर्ष के बाद में इस देश को बनाने, संवारने और सजाने में कई त्याग और बलिदान दिए हैं। ये इस रैली को लेकर यह भी कहा जा रहा है कहीं ये राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग तो नहीं है, कांग्रेस एक राहुल गांधी का रीपैकेजिंग करके पेश करना चाहती है, जब से वो लोकसभा चुनाव हारने के बाद से एक नेपथ्य में थे, उन्हें एक सेंटर स्टेज पर लाने की कोशिश है इस रैली के जरिए? देखिए, राहुल गांधी जी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्षता वो कर चुके हैं, आज भी कांग्रेस की जितनी भी महत्वपूर्ण हमारी योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण पॉलिसी हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसमें उनका पूरा योगदान रहता है। पिछले हर चुनाव में, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, हर चुनाव में बढ़ चढ़कर उन्होंने, एकमात्र हमारे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर हर चुनाव में प्रचार प्रसार का काम किया है। तो उनका रीलॉन्चिंग
कांग्रेस की करने की आवश्यकता नहीं है, राहुल गांधी अपने आप में एक ब्रांड है। मेरे कहने का मतलब कि इसके बाद उनके एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की मांग जोर पकड़ेगी, समर्थक कहेंगे कि वापस आए। देखिए, हर चीज का एक समय होता है। वापस आने की मांग तो शुरू से ही कार्यकर्ताओं की रही है और आज भी उनके वापस आने का तो सवाल नहीं है। अध्यक्ष पद लेने की बात थी और अध्यक्ष पद भी उनने स्वयं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। तो कहीं पर कार्यकर्ताओं की भावना आज भी उनके साथ में उतनी ही प्रबल, उतनी ही मजबूत और उतनी ही उनके ऊपर विश्वसनीय है। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जिस तरह से एक भव्य रैली की तैयारी की जा रही है और राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी रैली संबोधित करने जा रहे हैं, तो इसलिए लोगों को मन में लग रहा है कि क्या राहुल गांधी वापस संभालने वाले हैं कांग्रेस की बागडोर। शरद जी, लोकसभा चुनाव को भी हाल ही में मैं समझता हूँ कि 8-9 महीने हुए और उसका नेतृत्व राहुल गांधी जी ने ही किया था। मैं समझता हूँ कि उनकी सोच ये है कि सरकार जब जनता ने चुनकर दिया है तो उसको पर्याप्त समय दिया जाए, पर्याप्त अवधि दी जाए किसी प्रकार के क्रिटिसिज्म या किसी प्रकार की उनकी गलतियों बताने के लिए, और उसका वो इंतजार करते हुए उन्हें एक इस दिशा में अपने आप को उन्हें बहुत लूप उसमें रखा हुआ है आज। लेकिन जब ये सरकार एक तरफा अपने लोकसभा में अपनी संख्या बल का जोर दिखाते हुए और असंवैधानिक तरीके से निर्णय लेती जा रही है, जैसा निर्णय पिछले दिनों आपने देखा नोटबंदी का हुआ, ये भी एक तुगलकी निर्णय था जिसके आधार पर फायदा तो किसी ने, देश की अर्थव्यवस्था पूरे रूप से गिर गई। तो राहुल गांधी जी का रीलॉन्चिंग ये शब्द ना बोलते हुए हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने पूरा पर्याप्त समय बिना कोई क्रिटिसिज्म के दिया, लेकिन आज जब देश का युवा और देश की आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों के अंदर घुसकर किस प्रकार से छात्रों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो अब ये पूरे देश में होगा। लोकतांत्रिक जो हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है प्रदर्शन करने की, उसको उसका दमन किया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये जो मैसेज है, राजस्थान उन्हें चुना ये सौभाग्य की बात है, और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन के सभी कार्यकर्तागण इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर पूरी ताकत से लगे हुए हैं। ये संदेश पूरे देश के युवकों के लिए, ये संदेश पूरे देश के हमारे छात्रों के लिए है, ये संदेश हमारे देश के उन सभी किसानों के लिए है जिनको राहुल गांधी जी मोहन मन के बहुत नज़दीक से, जिनके लिए वो कटिबद्ध हैं और अपने आप को पूरा समर्पण उन्हें किया हुआ है। जाहिर सी बात है, जिस तरह का माहौल देश में है एनआरसी और सीएए को लेकर और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से हमलावर हो रही है, कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि इस नैरेटिव को वापस से सेट किया जाए महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर। इसीलिए युवा आक्रोश रैली के लिए राहुल गांधी ने जयपुर को चुना है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वापस से इसी तरह से सक्रिय होकर एक बार फिर से देश में रैलियों का दौर शुरू कर सकते हैं। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।